अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल डिश बना रही हूँ। बिरयानी तो आपने मुख्तलिफ तरह की खाई होगी, तो आज मैं जो डिश बना रही हूँ वो कबूली है। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने हाफ के जी कीमा ले लिया है और इसके अलावा तकरीबन 3/4 कप दही है, 2 टमाटर है उसकी प्योरी से बना ली है, और 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन है जो कि मैंने चॉप कर लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं, 4 बॉयल्ड एग्स ले लिए हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारा हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्च, लीमू और तली हुई प्याज ले ली है जो कि हम एंड में गार्निश के लिए और आखिर में दम में कीमे पे डालेंगे। और जो कीमे में जो जो स्पाइसेस डालेंगे उनमें मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला है। और मैं आपको अपना होममेड बिरयानी मसाले का लिंक आई बटन में दे देती हूँ। 2 छोटे साइज़ के तेज़पत्ता हैं, 1 बादियान का फूल है, और 2-3 छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो दालचीनी के हैं। तो इसके अलावा हम 4 आलू उसके हम फ्राइज बनाकर इसमें डालेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके चावलों के लिए मैंने 2.5 कप चावल या आप 1/2 किलो के करीब चावल कह सकते हैं वो मैंने 1/2 घंटा पहले पानी में भिगो दिए हैं। जो चीज़ें हम चावल बॉईल करते वक्त डालेंगे वो कुछ इस तरह है कि 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, पुदीने की 2 डंडियाँ ले ली हैं, 3 डंडियों समेत ले लिया है, और साथ ही 1 बादियान का फूल, 2 सब्ज़ इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सब चीज़ें हम पानी जब बॉयल हो जाएगा तो शामिल करेंगे और उसके बाद चावल शामिल करेंगे। पानी में बॉयल आ रहा है तो मैं सब ये जो मसाला जात हैं हम शामिल कर देंगे, तो इससे चावल भी बहुत खुशबूदार से तैयार हो जाएंगे। ज़रा सा खोलने के ऊपर चावल हम इसमें डाल देंगे और हमने इसे 70% चावलों को पकाकर तो हमने निकाल लेना है। तो चावल अब हमारे डन हो गए हैं, इसको हम निथार लेंगे। इसको मैंने तकरीबन 70-80% पका लिया है। मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैंने चॉप्ड अनियन डाल दिए हैं। इसको हम लाइट सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए। प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है तो इसमें मैं खड़ा मसाला डाल दूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे। और अब साथ ही चॉप हुआ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे। लहसुन अदरक भी अब साथ भून गया है और मैंने अब फ्लेम थोड़ा मीडियम टू हाई किया है और अब हम इसमें कीमा डाल देंगे ताकि कीमे का पानी भी खुश्क होना शुरू हो जाए। कीमा शामिल करने के बाद कीमे को इसमें भूनेंगे यहाँ तक कि कीमे का पानी ड्राई हो और इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम आलू भी काट लेते हैं। मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और इसको अब हम इस तरह इसके 3 हिस्से कर लेंगे और थोड़ा सा बहुत बारीक बारीक नहीं बल्कि थोड़े से ऐसे मोटे फ्राइज इसके बनाएंगे। तो आपके बच्चों को पसंद हो तो आप मज़ीद ही शामिल कर सकते हैं क्योंकि बच्चे तो इसमें बहुत ही शौक़ से ये खाते हैं और इस वजह से ये कबोली जो है वो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि उनमें इनके मनपसंद फ्राइज भी होते हैं। तो आलू मैंने सारे काट लिए हैं, अब मैं इनको भी फ्राई करती हूँ। मैंने हाई फ्लेम पर कीमे का पानी खुश्क कर लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है और इसको मुझे फ्राई करते हुए 5 मिनट हुए हैं प्याज़ों के साथ। तो अब मैं इसके अंदर ये सब स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। और अब मैं थोड़ा सा इसमें जो टमाटर है वो भी शामिल करूंगी। पहले मसालों को थोड़ा सा भूनूंगी
मसाले जब भुन जाएंगे फिर हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैं अब इसमें जो दो बड़े साइज के टमाटर की जो प्यूरी है वो भी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों को भी भून लेंगे साथ ही। देखिए कि किस कदर खुशबू मालूम हो रहा है अभी से ये, और इस स्पाइसेस की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। 4 से 5 मिनट मैंने अब कीमी को टमाटर के साथ भी भूना है, और अब हम इसे दम पे रखेंगे हल्की आंच पे इसको, ताकि कीमा भी गल जाए और टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो फ्लेम लो करके 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी। तो उधर कीमा भून रहा है तो इधर हम फ्राइज बना लेते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, इसमें फ्राइज डाल लेते हैं। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और कीमा भी बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब मैं इस मौका पर इसमें 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली डालूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी और अब हम इसमें 3/4 कप जो फेंटा हुआ दही है वो ऐड कर देंगे, और दही के साथ ही 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्राइज भी देख लेते हैं। अब हमारे फ्राइज भी तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको डार्क कलर का नहीं करना, आप चेक कर लें जब अच्छे से अंदर से कुक हो जाएं तो उसे निकाल लें। अब हमारा कीमा अच्छे से भुन गया है, दही का पानी भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है और बहुत इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस अब हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कीमा करना है, तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी शामिल करके इसको हल्की आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। दस मिनट हो गए हैं तो अब हम देख लेते हैं। देखिए कीमा बहुत अच्छे से पक गया है और बहुत अच्छी सी इसका उसकी खुशबू आ रही है। लास्ट में अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, चंद पत्ते पुदीने के, और थोड़ा सा लेमन जूस डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट बस इसको मैं इसको मिक्स करने के बाद पका लूँगी। अगर इसमें कुछ कीमे में पानी है तो आप इसको ड्राई कर लें, लेकिन बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना। अब हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है, अब हम अपने कबोली की लेयर्स लगाएंगे। सबसे नीचे हम चावल की लेयर लगा लेंगे, खड़े मसाले आप इसमें से निकाल लें। चावल की लेयर लगाने के बाद मैं इसमें कीमे की लेयर लगाऊंगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। अब चावल की अगली लेयर डालेंगे, इसके ऊपर जो बचा हुआ जो कीमा है उसकी लेयर लगा देंगे। कीमे को स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा पुदीना और धनिया ये डालेंगे, तली हुई प्याज डाल देंगे। अब हम फाइनल चावलों की लेयर डालेंगे। अब हम इसके ऊपर अंडे सेट कर देंगे, मैंने इनको दरमियान से काट लिया है। साथ ही जो कि हमने फ्राइज बनाए हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। चाहे तो आप अंदर वाली लेयर में भी फ्राइज लगा सकते हैं। फ्राइज लगाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दूंगी
और इसमें धनिया और पुदीने का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हरी मिर्च भी डाल दूंगी, थोड़े से ब्राउन अनियन डालेंगे और येलो फूड कलर जो है वो मैंने पानी में घोल के रखा है वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे। शुरू के थोड़ी देर हम रखेंगे जब से स्टीम आ जाए, उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए हम ढक के रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं कबोली हमारी तैयार है कि नहीं। बहुत अच्छी सी स्टीम आ रही है, तो हमारी कबोली तैयार है, राइस जो है वो डन है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारी कीमे की कबोली तैयार है और बहुत ही न्यूट्रिशियस, क्योंकि इसमें कीमा, आलू और अंडे सब शामिल हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मेहमानों को के लिए आप बनाएं तो उन्हें भी यकीनन पसंद आएगी। बिरयानी की निस्बत काफ़ी डिफरेंट सा इसका इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।